नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हरियाणा राजभवन में राज्यस्तरीय तीज उत्सव को लेकर कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस खास कार्यक्रम के मौके पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय पहुंचे। तीज उत्सव पर बड़ी संख्या में महिलाएं राजभवन पहुंची। कार्यक्रम के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस मौके पर राजभवन में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा और साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की पत्नी सुमन सैनी भी मौजूद रहीं। साथ ही मुख्य सचिव और डीजी समेत कई अधिकारी कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं जींद में तीज के मौके पर प्रदेश स्तरीय तीज महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर सभी को तीज की बधाई देते हुए संबोधित किया और इसी के साथ सीएम ने कहा कि मेरे लिए तीज का पर्व सौभाग्यशाली है, ये महीना पवित्र महीना है। सीएम ने कहा कि हरियाली तीज खुशहाली का प्रतीक है और इसी के साथ मुख्यमंत्री ने प्रदेश की प्रगति में महिलाओं की भूमिका को बताते हुए कहा कि प्रदेश को प्रगतिशील बनाने में महिलाओं की अहम भूमिका है। आप सबको तेज पर्व की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज जब मैं यहां पर आया हूं, मुझे गर्व है कि आज अपनी बहनों के बीच में आज मुझे आने का अवसर मिला है। जो एग्जीबिशन लग रही थी, मैं वो एग्जीबिशन भी देखने के लिए गया हूं। कहीं पर हमारी हरियाणवी संस्कृति के पारंपरिक वेशभूषा और जो प्राचीन काल की हमारी संस्कृति की धरोहर, आज वो भी देखने को मिली है। हमारे नए बर्तन बनाने वाले, हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र के अंदर अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए महारत हासिल की है, मुझे उन सब के बीच में जाने का मौका मिला है। मैं उन सब को भी आज बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये खुशी है, मैं आज जब अपनी बहनों के परिवार में आया हूं तो हरियाली ये जीवन की खुशहाली, ये इसका प्रतीक है। तीज के साथ साथ हमारी संस्कृति में त्योहारों की शुरुआत ये होती है जो होली तक चलती है। तीज पर भाई द्वारा बहन को कोथली देने की ये हमारी सदियों से परंपरा रही है। बहने भाई के फलने फूलने की कामना करती है। आज आपका यह भाई भी आपको कोथली देने और आपका आशीर्वाद लेने के लिए आज आपके बीच में आया है। मैं आपके हंसते खिलखिलाते चेहरे को देखकर मेरा मन बड़ा संतोष और खुशी से भाग भाग हो रहा है। आपने हरियाणवी वेशभूषा में आकर के इस हरियाली महोत्सव, इस तीज महोत्सव को सार्थक कर दिया है। मैं इसके लिए आप सबका पुनः दिल से धन्यवाद करता हूं। मैंने आपके कुशल हाथों से बनाए गए उत्पादों से भरी प्रदर्शनी को भी देखा है। खुशी की बात है कि मेरी बहनें अब कौशल के जरिए अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। स्वयं रोजगार स्थापित करने वाली बहनों को आज यहां सम्मानित भी किया गया है। मुझे बताते हुए ये खुशी हो रही है कि हमारी स्वयं सहायता समूहों की बहनों को आज अभी आप लोगों के बीच में 100 करोड़ रुपए का ऋण भी
आज देने का काम ये हमने किया है। मैं आप इस वित्त वर्ष में स्वयं सहायता समूहों को 490 करोड़ रुपए की राशि के ऋण देने के लक्ष्य को भी हम आगे बढ़ाते हैं। आज हर जिले में पहला, दूसरा व तीसरा स्थान पाने वाली हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप को आज 38 लाख 50 हजार रुपए की राशि से आज सम्मानित किया गया है। मुझे ये भी खुशी है आप लोगों के बीच में बताते हुए कि इससे अन्य सेल्फ हेल्प ग्रुप की भी अधिक लगन और मेहनत से काम करने वाली बहनें प्रेरित होंगी, ये भी हमारे लिए बड़ी सुखद बात है। हमने अभी जो हमारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म थी, उस फिल्म के माध्यम से भी मैं अपनी लखपति दीदी जिन्होंने सफलता के हरियाणा में नहीं पूरे देश के अंदर झंडे गाड़े हैं, मैं उनको और दूसरी बहनों के लिए जो एक प्रेरणा स्रोत बनी है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पेरिस ओलंपिक में गोल्ड के लिए फाइनल मुकाबले में उतरने से पहले भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट को अयोग्य करार दिया गया है। 50 किलोग्राम भार वर्ग के इवेंट के फाइनल मुकाबले से विनेश बाहर हो गई हैं। इसी के साथ विनेश अब ओलंपिक में कोई मेडल नहीं जीत सकेंगी और एआईओए के ओर से जारी बयान में कहा गया है कि बेहद खेद के साथ हम विनेश फोगाट के 50 किलो भार वर्ग के महिला कुश्ती इवेंट से अयोग्य घोषित होने की खबर साझा कर रहे हैं और रात भर टीम की ओर से भरसक प्रयासों के बावजूद विनेश का वजन आज सवेरे 50 किलो से कुछ ग्राम अधिक पाया गया। तो वहीं विनेश फोगाट के ओलंपिक में आपको बताते चले कि डिस्क्वालीफाई होने के बाद से उनके भारतीय फैंस का दिल टूट गया है और इससे पूरा देश इस वक्त दुखी है। वहीं विनेश फोगाट को ओलंपिक से अयोग्य घोषित किए जाने पर देश भर में दुख के साथ गुस्सा भी है और इस मामले में सभी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी मामले में अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया है। पीएम ने लिखा कि विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन है, आप भारत का गौरव है और प्रत्येक भारतीय के लिए जो है प्रेरणा है और आज का झटका जो है दुख देता है। काश शब्द उस निराश की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूं। इसी के साथ पीएम ने लिखा कि मैं जानता हूं कि आप लचीलेपन का प्रतीक हैं, चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है, मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके पक्ष में हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि विनेश आप भारत का गौरव हैं, आप हर भारतीय के लिए प्रेरणा हैं, आपने अपनी शानदार खेल प्रतिभा से ओलंपिक में भारत का सिर गर्व से ऊंचा किया है, आज का फैसला हर भारतीय के लिए बेहद ही दुखद है, हरियाणा समेत पूरा भारत आपके साथ खड़ा है। और आगे बढ़ते हैं, हरियाणा की महिला पहलवान विनेश फोगाट के ओलंपिक में डिस्क्वालीफाइड होने के बाद पूरा देश निराश है क्योंकि सिर्फ एक कदम मेडल से दूर होने से देश की जनता को विश्वास ही नहीं हो रहा है और इसी को लेकर हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री अनिल विज ने अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि यह बहुत ही आश्चर्यजनक है और खेदजनक भी है क्योंकि सारा देश पर 100 ग्राम वजन बढ़ने के ऊपर किसी के साथ इतना बड़ा नाइंसाफ करना ये गलत है। हमारा केवल मेडल नहीं, मतलब ये मान के चलो कि इससे हर एथलीट का मन टूटता है। इसके लिए केंद्र सरकार को कोई बातचीत करनी चाहिए। हमारा जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है उसको भी
हमारी तरफ से जो इंडिया की तरफ से दो इंटरनेशनल कमेटी के मेंबर हैं उनको भी इस बारे में बात करनी चाहिए, रेसलिंग फेडरेशन को भी करनी चाहिए। हम कैसे अपने बच्चों का मनोबल बढ़ाएंगे? चरखी दादरी नई अनाज मंडी में आम आदमी पार्टी की परिवर्तन जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सहित आम आदमी पार्टी के नेताओं ने संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने राजनीति में परिवारवाद को खत्म करने का काम किया है। आगामी विधानसभा चुनाव में हरियाणा प्रदेश की जनता आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने का काम करेगी और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि प्रदेश की जनता की भलाई के लिए कार्य किए जाएंगे। तो देखिए, आम आदमी पार्टी की परिवर्तन जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान मौजूद रहे, उन्होंने शिरकत की और इसी के साथ साथ उन्होंने इस कार्यक्रम को संबोधन किया और इसी के साथ साथ उन्होंने तमाम बातों का जिक्र करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी जो है कि परिवारवाद खत्म करने की ओर अग्रसर है और इसी के साथ साथ आम आदमी पार्टी जो है आम लोगों की सरकार है। आपने इतने सालों की राजनीति में हरियाणा के अंदर हर पार्टी को वोट देके देख लिया, हर एक पार्टी को। मैं कहता हूं, जो भी आपके दरवाजे पे आया, जिसने भी ये कहा हाथ जोड़ के कि हमें वोट दे दो, आपने सबको कहा कि जा बेटा राज कर, तू भी हरियाणा का राज चला के देख। लेकिन आपको कभी भी अपने जीवन में कोई भी मूलभूत सुविधा मिली हो तो बता दो, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, युवाओं को रोजगार, एक मुद्दे के ऊपर भी अगर आप ये कह सकते हो कि किसी सरकार ने काम किया है। दोस्तों, कोई राजनीतिक भाषण देने तो आए नहीं हम, हम तो आम बंदे हैं जी, आम घरों से निकले हुए हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने एक पार्टी बनाई रामलीला ग्राउंड दिल्ली से कि चलो एक पार्टी ऐसी भी बनाते हैं जिसमें आम लोग हों, जिसके मेंबर आम घरों के बेटे बेटियां हों, नहीं तो कांग्रेस, भाजपा या दूसरी पार्टियों में नेताओं के बेटे बेटियां। और खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां हरियाणा वर्कर्स यूनियन के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई, जिसमें अपनी मांगों को लेकर पिछले काफी लंबे समय से प्रदर्शन कर रहे पीडब्ल्यूडी के तीनों विभागों के कच्चे कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है। कर्मचारियों का कहना है कि इस बार लड़ाई आर पार की होगी। आपको बता दें कि यूनियन के राज्य प्रधान कुलवंत शर्मा ने कहा कि पीडब्ल्यूडी के तीनों विभागों के कच्चे कर्मचारी पिछले काफी लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे और बार बार सरकार को प्रशासन के माध्यम से चेताया भी गया। साथ ही बीते दिनों 22 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक प्रदेश के हर जिला सचिवालय में प्रदर्शन करते हुए उपायुक्त के माध्यम से सीएम को 21 सूत्रीय मांग पत्र भी दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। तो वहीं शर्मा ने सरकार को चेताते हुए कहा कि 10 अगस्त तक नहीं मानती है तो 11 अगस्त को बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हम हरियाणा सरकार से पीडब्ल्यूडी के तीनों विभागों के कर्मचारियों की मांगों को लेकर विभागीय प्रमुख अभियंताओं व विभाग के ACS से लगातार बातचीत कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री को भी हमने कई दफ़ा अपना 21 सूत्रीय मांग पत्र कर्मचारियों की मांगों का हल करने के लिए भेजा हुआ है, परंतु सरकार बातचीत करने में आनाकर नहीं कर रही है, जिससे कर्मचारी वर्ग में भारी रोष है। हमने कर्मचारियों के रोष को देखते हुए 22 जुलाई से 2 अगस्त तक सभी प्रदेश के उपायुक्त कार्यालयों पर प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों का मांग पत्र उपायुक्त को दे। सत्यपाल वर्मा, हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन सिस्टम 41 हेड ऑफिस चरखी दादरी कैंप कार्यालय करनाल का राज्य चेयरमैन। हमारी मांग जो है, हमने पहले सरकार को नोटिस दिया था कि भाई उपायुक्त के माध्यम से फील्ड कर्मचारियों की 21 सूत्री मांग पत्र मुख्यमंत्री के नाम भेजकर अपील करेंगे कि वो कर्मचारियों की मांगों का समाधान बातचीत द्वारा करें। लगातार जो हम एक साल से एजिटेशन करते आ रहे हैं पंचायत एवं विकास विभाग के अंदर, पंचायत विभाग के अंदर जो कर्मचारी कच्चे थे उनको जो है 1 साल से वेतनमान नहीं दिया गया था। हमने पब्लिक हेल्थ और
पंचायत विभाग से मिलकर के लाखों लाख रुपए उन कर्मचारियों को दिलो। और इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार। हे मॉम। हे।